श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। सोमवार की रात घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, जिले भर के मठ मंदिर व ठाकुरबाड़ी घंटी घंटाल संघ ध्वनि व श्रद्धालुओं के जय जयकार से गूंज उठे। भजन कीर्तन हवन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। कान्हा का जन्म होते ही नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गुंज से पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। सोमवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों की साफ सफाई कर भव्य तरीके से सजाया गया था तथा कुछ जगहों पर लोगों ने दिन भर का व्रत रखते हुए भजन कीर्तन किया। जिला मुख्यालय के साथ साथ कस्बों तथा गांवों में लोगों ने अपने घरों व मंदिरों में भजन कीर्तन कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। हथुआ के गोपाल मंदिर, उचाई कोट के बंगरा स्थित शिव मंदिर व श्री राम जानकी मंदिर मठ पकड़िहार, श्री राम जानकी मठ गौरा समेत तमाम मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखी। अवसर पर राजापुर बाजार व खाल गांव में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन किया गया। ₹20 का पुरस्कार मुझे उम्मीद है कि यह पुरस्कार मेरे लिए 20 लाख। उधर कटिया प्रखंड के गौरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गौरा का गांव में मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम देखने के लिए दूर दराज के इलाके से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। देर शाम आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पुरस्कृत करने के क्रम में विजेता टीम के नवयुवकों को पुरस्कार दिया गया। गौरा गांव में राधा कृष्ण की मूर्ति पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद से झूमर सोहर सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।